बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर कीमे वाली बिरयानी। ठीक है, जो मैं आपको सारे बता दूँ चीज़ें। ये मेरे पास आलू काट के छील के धो लिए, और मैंने ये मटर लिए। मटर मैंने ना उबाल लिए, क्योंकि मटर गलते नहीं है, मसाले में भूनने होते हैं वो गलते नहीं, इसको उबाल लेना है। ठीक है। और ये लहसुन अदरक लीमू डालते हैं इसके अंदर, और धनिया है, सब्ज़ मिर्ची है, ये पुदीना है, ये मैंने अपनी छत से उतारे हैं, आपको मैंने दिखाया हुआ है। ये ताज़ा फ्रेश, बहुत ही प्यारी खुशबू है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इधर से उतार लेती हूँ छत से। ठीक है। आधा किलो कीमा है, और ये प्याज है, ये टमाटर, और ये सारे मसाले जो मैं इसको ग्राइंड करके थोड़े थोड़े लेके सारे ग्राइंड करूँगी। इसमें सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची है, दालचीनी है, जायफल है, जवत्री है, और ये लौंग है, काली मिर्ची है, ज़ीरा है, और ये जायफल और जवत्री का ये पाउडर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यही डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, काली मिर्ची, ये सारा कुछ मिक्स थोड़े थोड़े मिकदार में लेकर मिक्स कर लूँगी। और ये नमक मिर्च, और ये चावल है, एक किलो चावल है मेरे। ठीक है। सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह, ये देखिए मैं प्याज डालूँगी सारी। हाँ जी, इसमें घी जाएगा तकरीबन एक पाव, इसमें पाव से थोड़ा कम ही डालूँगी। जब मैं इसकी वो तह वगैरह लगा लूँगी ना, उसके ऊपर मैंने ये फिर थोड़ा सा और घी डालना है, क्योंकि वो चावलों के ऊपर चमक आ जाती है और चावल जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, इतना मैंने डाल दिया, और बाकी मैं ना ऊपर डालूँगी ये बस प्रोन करके। मैंने इसको इसके ना इसमें प्याज ज़्यादा डलता है, क्योंकि मसाला बनाना होता है। इसके अंदर से मैंने ब्राउन करके निकाल लेने हैं थोड़े से, तो वो एंड पे अंदर डालूँगी तह के अंदर, खुशबू उसकी बड़ी प्यारी आती है। और बाकी मैं मसाले में भूनूँगी, कीमा भूनूँगी अंदर, तो साथ साथ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ठीक है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखें। ठीक है, और कमेंट जरूर दें। ठीक है, मैं साथ साथ बताती हूँ। हाँ जी, देखिए नाज़िम, मैंने ना चावल साथ ही रख दिए उबालने के लिए। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, 3 चम्मच जो है ना वो डालूँगी बार बार के। ठीक है, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा ही डलता है, ये निचोड़ने होते हैं, फालतू तो निकल जाता है, और वो क्या कहते हैं, मुनासा भी रह जाता है। जब हम मसाला भूनते हैं इसके अंदर तह लगाते हैं, और इसमें नमक कम हो जाता है। इतना डालना चाहिए कि इन चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, चख ले, पानी में तेज़ हो नमक, फिर चावलों में सही होगा। ठीक है। और ये मेरे प्याज मैं कर रही हूँ। ठीक है, अभी होते तो मैं आपको दिखा दे चावल छोड़ के। राजी, ये देखिए प्याज हो गए। ठीक है, इस पॉइंट पर आके हमने ये प्याज इतने निकालने हैं जितने हमें चाहिए। ठीक है, प्लेट में निकाल लेने, थोड़े से बस अंदर छोड़ने। ठीक है, ये देखिए इतने प्याज निकालने, इसको बिखेर के रख लेने हैं ज़रा रूम टेम्परेचर पे, कि ये हमारे प्याज जो है ना सही हो जाए। इसके साथ ही हमने ये कीमा डाल देना है, इसमें डाल देना। थोड़ी देर कीमा भूनना है, इसके साथ ही हमने लहसुन प्याज का जो पेस्ट बना लिया था मैंने वो डालने लगी। ये देखिए ना जी, हमने ये थोड़ा सा भून लिया। ठीक है, इसके साथ ही हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है वो डाल देना है। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ज़्यादा भी मेल्ट नहीं किया मैंने, बस दरदरा सा कर लिया, और इसको भून के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने चावल से देख लिए, अब ज़्यादा जो है ना कच्चे चावल निकालने हैं, जो नीचे वाली सबसे नीचे वाली तह लगानी है। ठीक है, इतने से निकालने, बाकी उतने ही निकालने हैं जितने हमारे वो ज़रूरत है। जिस तरह हम करते हैं
चावल निचोड़ते हैं सफ़ेद चावल, उस तरह ही हमने ये बनाने हैं, ठीक है। बाकी सारे चावल उस तरह ही निचोड़ेंगे। हाँ जी नाज़रीन, ये तो हमने भून लिया, इसके साथ ही हम ये मसाले डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह। ये 2 टीस्पून हम डालेंगे ये नमक, और 2 ही डालेंगे हम ये सुरख मिर्च, ठीक है, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है, हमारे घर में ज़्यादा तीखा पसंद किया जाता है। और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का डालना है, ठीक है, 1/2 एग। अब ये ऐसे भून लो, ठीक है, क्योंकि मिर्चों को ज़्यादा नहीं भूनते क्योंकि वो ब्लैक हो जाती हैं। इसके साथ ही हमने बिस्मिल्लाह, ये देखिए मिर्चें और टमाटर जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे, इसमें टमाटर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। इसको हमने अब डाम देना है, थोड़ी देर डाम के जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर क्या कहते हैं इसके अंदर आलू डालूंगी कि वो इसके पानी के साथ ये गल जाए। मटर तो हमने गला लिए, आलू को हमने थोड़ा सा करना है, ठीक है। हाँ जी, ये देखें चावल मेरे हो, ये मैंने थोड़े से कच्चे, ये देखें मैं पीस नहीं रही, ठीक है, मसले तो टूटते नहीं हैं। और ये चावल ये देखें ऐसे होने चाहिए जैसे एक करनी होती है। और ये पुदीना और धनिया मैंने धो लिया, अब इसको काट लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ भून के, ठीक है। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, ये कीमा भून लिया मैंने, ये टमाटर भी देखे मेल्ट हो गए हैं, ये देखिए अभी अच्छी तरह मिक्स नहीं हुए, थोड़े साहत थे टमाटर, ठीक है, बाकी मिक्स हो गए। अब ये आलू डालने लगे, इसके साथ भी हो जाएंगे मिक्स, बिस्मिल्लाह रहमान, ठीक आलू डाल दिए हमने। ये अब 1 कप पानी का डालूँगी फिर ताकि ये गल जाए आलू, ठीक है। अब इसको मैं दम पे लगाऊँगी कि ये आलू अच्छी तरह गल जाए, इसके ज़्यादा नहीं गलाने, जैसे हाफ पक जाए ना, 50% पक जाए तो फिर, ठीक है। अब इसको मैं डाल दूँ तो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाँ जी हाँ जी, देखते हाँ जी करके। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है लेमू जो हमने काटा है, बीज इसके निकाल दिए थे छिलके के साथ ही हमने ये डालना है, ठीक है, अच्छी तरह इसका ये जो है ना वो निकल आए, अच्छा रस निकल जाए, मिक्स हो जाए सारी आलू और कीमे में, ठीक है। और साथ ही हमने ये डाल देना है बिस्मिल्लाह मटर, इसके अंदर भी सारी नमक मिर्च वगैरह मिक्स हो जाए, ठीक है, इसको भी हमने मिक्स करके इसको थोड़ा तेज़ कर देना है चूल्हा, कि हम ये मिक्स कर लें, जो नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इस वक्त हमने ये नमक मिर्च चेक कर लेनी है, ठीक है, थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है, और नमक मुनासब होनी चाहिए, मिर्च थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि नमक तो हमने डाल लिया चावलों में। और ये हमने इसको फिर डाल देना है कि अंदर नमक मिर्च मिक्स हो जाए, रच जाए, बस जाए, ठीक है। हाँ जी नाज़रीन, अब ये हो गया हमारा, भून दिया हमने, इसमें हमने ज़ीरा डाल देना है, और ये जो हमने वो बनाया है बिरयानी मसाला जो मैंने आपको सब बताया था कि सारी चीज़ें वो मैंने ये थोड़ा सा एक छोटी चम्मच जो है ना 2 टेबलस्पून बनाया है तो 1.5 मैंने इसके अंदर डाल दिया, हाफ जो है ना मैंने बचा लिया, तो मैं सबसे ऊपर वो खुशबू के लिए डालती हूँ। आप लोग भी ऐसे करिएगा, देखिएगा फिर बिरयानी की खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलती है, ठीक है, और सब को पता चलेगा कि आज बिरयानी बनी है। जो हम सब सारा अंदर डाल देते हैं उसके साथ ना वो खुशबू नहीं आती, आती है खाने में जायका होता है
लेकिन जो खुशबू महक सारे घर में फैलती है वो इसी तरह फैलती है। ठीक है, अब इसको मैंने साइड पे उतार देना है। ठीक है, और ये इस तवा ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये साफ़ होना चाहिए क्योंकि वो जब ये चूल्हा करते हैं तो उसकी हीट जो है ना वो जला देती है चीज़ों को, और फिर अच्छी नहीं लगती। ये मैंने जो चावल है इसके अंदर पकाए थे वही देगचा मैंने ले लिया। ठीक है, वही देगचा ले लिया। और बिस्मिल्लाह, सबसे पहले मैंने ये जो चावल थोड़े कच्चे डाले थे वो मैंने डाल देने हैं। ठीक है, जो तीन कनी मैंने चावल निकाल लिए थे वो डाल के इसको हिला लेना है। ठीक है, क्योंकि वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब हम ऊपर ये सारा कुछ डालेंगे ना तो सही हो जाएगा, घी वगैरह डालेंगे। ये डाल के इसके ऊपर हमने ये चावल डाल लिया थोड़े से, और बिस्मिल्लाह ये चावल डालेंगे। ठीक है, ये इसके साथ ही हमने ये जो हमने बनाया था प्याज का, हाँ जी, ये मैंने प्याज डालने लगी हूँ मैं। ठीक है, हाफ इसके ऊपर डालने, हाफ उसके ऊपर डालूंगी, उसी तय लगाऊंगी ना फिर डाल दूंगी। ठीक है, और इसके साथ ही हमने ये जो मसाला बनाया, हमने जो सारा कुछ तैयार किया बिस्मिल्लाह, कीमा मटर आलू ये सारा कुछ अंदर डालूंगी, आधा डाल देना इसके अंदर। ठीक है, ये आधा हमने डाल देना। फिर इसके ऊपर क्या डालना है, जो धनिया और पुदीना हमने जो काट लिया था आधा इसके ऊपर डाल देंगे, आधा आधा। ठीक है, आधा ऊपर दूसरे के ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, हाथ से ज़रा डाल लेती हूँ, गरम है। बिस्मिल्लाह, उसी तरह हमने ये तय लगानी है जैसे हमने पहले लगाई है। थोड़े से बस चावल बचाने हैं, कुछ सबसे ऊपर ये डाल दें। ठीक है, ये हमने थोड़े से बस बचा देने हैं। ठीक है, अब ये इसके ऊपर भी वो सारा मटीरियल हमने डाल देना है। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। सब अच्छी तरह ये डाल देने, और इसके ऊपर ये डालना है प्याज। इसकी खुशबू, इसका जायका मुंह में आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये डालना है पुदीना, धनिया, ठीक है जी। ये मैंने सारे डाल लिए चावल इसके ऊपर। अब जो मैंने ये मसाला निकाला था वो बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा सा सारे चावलों के ऊपर ये मसाला मैं डाल दूँ। ठीक है, सबसे एंड पे इसके साथ ही हमने ये दम लगा दिया। फ्लेम पहले तेज़ करना है। मैं एक कपड़ा लेना है, इसके ऊपर दे देना है कि दम कोई सैडों से ना हवा ना निकले, धुआं हीट हो जाए अंदर ज़्यादा। ठीक है, ऊपर इसके वज़न दे दो, ये वाला वज़न दे दो। ठीक है, और 10-15 मिनट 15-20 मिनट के लिए ये रख देना, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी,
ये देखिए देखो, पहले जुड़े जुड़े लगते थे, आप देखें कैसे लदा लदा दाना हो गया इसका चावलों का। और मैंने ना आपके सामने नहीं डाला, घी एंड पे डाला था, मुझे भूल गया था, फिर मैंने ना एंड पे घी डाल दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे बन गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट जरूर दें, आगे शेयर करें ताकि आपको फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो इसका। बिस्मिल्लाह, देखिए इसके कलर, बिस्मिल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए हाँ जी, अब चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, गरम गरम, ज़बरदस्त।